श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत लोग पश्चिम तरफ रहते हैं। प्यारे लोगों, संसार और शरीर के घेरे में पड़े हुए अपने कर्मों के जाल में फंसे हैं। हम लोग इन घेरों में पढ़कर कैसे हैं सबको मालूम है। किसी भोग में सुख और किसी भोग में दुख मानते हैं। यह सुख दुख का भोग बहुत जबरदस्त तरह से होता है। हम इसमें बोझ बझे रहते हैं। सुख भी सुखदायक नहीं होता है और दुख भी दुख ही है। विषय सुख सुखदायक इसलिए नहीं होता कि वह तृप्तिदायक नहीं है और न सदा रहने वाला है। हम लोग कर्म के जाल में फंसे हैं। इसी जाल के अंदर रहने के कारण क्षणिक सुख दुख में फंसे रहते हैं। इससे छूटने के लिए कोई यत्न है तो संत लोग कहते हैं हाँ है। वह है कर्म के जाल से छूटना। कर्म के जाल से छूटने को ही पाप पुण्य से छूटना कहते हैं। पाप पुण्य से भोग प्रत्येक क्षण होते रहते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि इनसे छूट सकते हो। पाप से छूटना सभी चाहते हैं क्योंकि इसको दुखदायी समझते हैं और पुण्य से छूटना नहीं चाहते क्योंकि यह सुखदायक है लेकिन इसमें तृप्ति नहीं है, इसलिए इससे भी छूटना अच्छा है। जिस कर्म से हम पाप से छूट सकते हैं उसी कर्म से पुण्य से भी छूट सकते हैं, वह है ध्यान। ध्यान से पाप पुण्य दोनों छूट सकते हैं। ध्यान कहते हैं एक ओरता को। जिस अवयव युक्त एक रूप को हम देखते हैं वह अणु परमाणु से युक्त है। उसमें अनेक अवयव है, उसमें एक नहीं अनेक है। अनेक के समूह के गठन को यदि हम एक कहते हैं तो अमल में एक नहीं है, लेकिन जो एक ही एक है उस पर मन को लगाओ, वह क्या है? बिंदु ध्यान। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जिसका स्थान है और परिमाण नहीं, जिसका खंड नहीं हो सकता है, वह बिंदु है। बिंदु को पकड़े बिना कोई ध्यान में मजबूत नहीं हो सकता। ध्यान बिंदु परिषद में केवल बिंदु ही नहीं परम बिंदु कहा है और इसको विजाक्षर भी कहा गया है। हम लोग कलम से पेंसिल की नोक जहां रखते हैं वहां एक छोटा सा चिन्ह हो जाता है, उसको विस्तृत करने पर अक्षर बनता है, इसलिए वह छोटा चिन्ह अक्षर का बीज है। जितने मुख्य दृश्य है सबका बीज बिंदु है। कोई भी आकार बनाते समय प्रथम बिंदु ही बीज रूप से बनता है। बिंदु के बिना रेखा नहीं और रेखा के बिना कोई आकारमय रूप नहीं बन सकता। जिस बिंदु का रूप मन में ख्याल किया जाता है वह परम बिंदु नहीं है। परिभाषा के अनुकूल बिंदु को कोई मन में गढ़ बना नहीं सकता और न हाथ से चिन्हित कर सकता है। जिसका स्थान हो और परिमाण नहीं उसको कागज पर चिन्हित नहीं कर सकते और न मन से गढ़ सकते हैं। इसको स्थूल दृष्टि से कोई देख नहीं सकता, किसी तरह इसको कोई देख नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। गुरु की युक्ति के अनुकूल देखने के अभ्यास द्वारा देख सकता है। ऐसा देखना ठीक ठीक ध्यान में होगा। वह ध्यान कैसा होगा? जिसमें मन स्थूल विषय से रहित होगा। विषयों से पूर्ण रूपेण छूट जाने के लिए उपरोक्त बिंदु ध्यान के पीछे नाद ध्यान है। इसमें पहले का दृश्य विषय छूटकर नाद विषय रहता है। जब नाद भी अनाद ब्रह्म में लीन हो जाता है तब निःशब्दं परम पदम की प्राप्ति हो जाती है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम सशब्दं चाक्षरे चीने निःशब्दं परम पदम। ध्यान बिंदु परिषद। तब कर्म जाल में फंसकर रहना नहीं पड़ता, उससे पूर्ण रूपेण छुटकारा मिल जाता है। इसी में मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति है।
जब लोग इस ध्यान अभ्यास में पड़ते हैं तो संकल्प विकल्प को छोड़ना होता है। जैसे पानी के बहाव में मैली कुचैली गड़बड़ चीजें आती है, परंतु स्नान करने वाला मलिन चीजों को टालकर जल में स्नान करता है, उसी तरह ध्यान में होता है। लेकिन अभ्यास ही सबको हटाकर ध्यान करता है। जो बारंबार अभ्यास करता रहता है उसका मन विषयों से छूटता है, रजोगुण तमोगुण से छूटकर सतोगुण की ओर वृत्ति होती है, उससे फिर पाप नहीं होता। घमंड और तिरस्कार से किया हुआ पुण्य कर्म तामसी है, मायिक फलों को प्राप्त करने के लिए किया हुआ पुण्य कर्म राजस है, इन दोनों तरहों से बचते हुए किया हुआ पुण्य कर्म सात्विक है। जो ध्यान अभ्यास की उधर्वगति में अपना बंधक प्रभाव कुछ नहीं रख सकता है, समझना चाहिए कि ध्यान में एक ओरता होती है, एक ओरता से सिमटाव होता है, सिमटाव में उधर्वगति होती है। आप लोग बिछौने पर बैठे हैं, इसको समटिए तो एक ढेर हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। मन के सिमटाव के कारण मन की भी उधर्वगति होती है। मन केवल मन नहीं है, मन के साथ चेतन भी है, मन के साथ चेतन की भी उधर्वगति होती है। अस्थूल से ऊंचे दर्जे में सूक्ष्मता में प्रवेश होता है, अस्थूल में सिमटाव होने से सूक्ष्म में गति होती है, इसी को पिंड से ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। इससे जहां तक कर्म फल पाना है यानी प्रारब्ध का भोग है, उस मंडल को पार किया जा सकता है। जहां तक त्रिगुणी माया है वहां तक कर्म मंडल है, इससे पार होने पर माया से उठा जाता है, ध्यानाभ्यास से उधर गति होती है, तब कर्म मंडल से ऊपर उठा जाता है। यही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है। पुण्य सुख में बांधता है तो पाप दुख में बांधता है, दोनों बंधन ही है। पुण्य के फल को भोगते हुए लोग बहुत पाप करते हैं, धनी होते हैं, जो नहीं करने का वह करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं। पुण्य करना अच्छा है लेकिन पाप करना अच्छा नहीं है। फलाकांक्षा छोड़कर ही कर्म करना अच्छा है। प्रारब्ध कर्म को ध्यान योग से नष्ट कर सकते हैं, सिवाय ध्यान योग के और कोई उपाय नहीं है जिससे हम कर्म जाल से छूटे। कर्म जाल ही संसार और शरीर में बांधता है। ध्यान ऐसा हो जो बाहर की ओर नहीं हो, इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि आत्मा की ओर देखो, आत्मा एक ही है, शरीर जैसे उसको अवयव नहीं, जोर नहीं। साधक आत्मा की ओर चलता है तो वह आत्मा बहुत दूर है, बहुत देर से मिलती है, लेकिन रास्ते में कुछ नहीं मिलता है ऐसा नहीं। रास्ते में चंद्र ज्योति आदि का दर्शन होता है, जो दर्शन कभी संसार में नहीं हुआ, चलते चलते वह परमात्मा को पाता है। ध्यान योग अंतर्मुखी करो और घर में रहो। ध्यान योग की विधि गुरु से सीखो। जो इस युक्ति को नहीं जानते उनके लिए कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कौनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, पड़ी हो कठिन झिंझोर, संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, इहवा मोर न तोर, निस्दिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे पचीसो चोर, सतपुरुष इक बसे पश्चिम दिशी, तासों करो निहोर, आवे दरद राह तो ही लावे, तब पई हो निज ओर, उलटी पाछली पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पई हो निज ठोर। इस पद में भी ध्यान करने को कहा है, कहा कि जो संत लोग पश्चिम की तरफ रहते हैं, पश्चिम को संत लोग प्रकाश, पूर्व को अंधकार, दक्षिण को शब्द और उत्तर को निःशब्द कहते हैं।
जो अपने को प्रकाश में रखते हैं और दूसरे को प्रकाश में चलने को बताते हैं उनसे जानो, ब्रह्मांड से पिंड में आए हो, इससे उल्टो यानी पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलने के लिए पसरे हुए मन को समेटो। कबीर साहब ने उपर्युक्त पदों में कहा है कि ऐसा करने से तुम अपने निज घर को पाओगे। यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर आशानंदपुर पर्वती भागलपुर में दिनांक 26/10/1958 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन पाठ 26 नवंबर 2018 प्रातःकालीन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।